जमाना से पुना 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 गाते हुए आया पुना वो अंग्रेजी लोग फिर भी आया कविता करें कैसे साल यार सोया है जब से आज ये वो रिंग 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 होते अरे यार पत्रकार अभी थोड़ा गर्म हो गया अभी ठंड नहीं लगेगी
ठंड का ही मालिक है। हाँ तो दादा मैं पूना से आया। हाँ मेरा नाम अनोश मालेकर है। हाँ आपका जैसा जामुनकर है ना। हाँ वैसा मेरा मालेकर है। मालेकर। हाँ मैं पूना से आया हूँ। हाँ और मैं एक पत्रकार हूँ। हाँ तो जैसा आप खेती करते हैं। हाँ वैसा मैं लिखता हूँ। हाँ पेट के लिए। हाँ पेट भरता हूँ वैसा। हाँ धंधा कर रहा हूँ। तो मुझे कोरकू लोगों में बहुत दिलचस्पी है। हाँ और वो लगभग 10-15 साल से है वो। काफी ऑफिसर बन गए। तो मैं आता रहता हूँ मेलघाट। हाँ और जान लेता हूँ कोरकू संस्कृति कैसा है, जीवन कैसा है। हाँ खेती कैसा करते हैं, जंगल में कैसा रहते हैं, पहाड़ में कैसा रहते हैं। हाँ तो उसके बारे में आज आपसे बात करने के लिए मैं यहाँ आपके खेत पे आया हूँ। हाँ तो आपका नाम तो आपने बता दिया। हाँ नहीं कि नहीं। हाँ तो क्या नाम है इनका? हाजी। हाँ अज्जी का नाम क्या है? फुकला। 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 हाँ खांजी। खांजी जामुनकर। जामुनकर। और आप खांजी भाऊ जामुनकर। हाँ तो आप बताइए आपका जन्म हतरू में ही हुआ था? हतरू में नहीं हुआ है। हाँ मेरे को तो खेड़मल में हुआ। खेड़मल। ससरार में आ गया था। अच्छा तो इधर ही जिसमें ससरार ने खेत बाड़ी दिया। हाँ तो वो वक्त तो कोई भी खेत नाम पर नहीं था। भोपाली था। वो बकैर तो कम से कम 57-58 के नाम पर आया है। तो आपका बचपन उधर गया फिर? हमारा बचपन उधर गया। तो आपके पिताजी क्या करते थे? खेती। खेती करता था। खेती। और हम 5 भाई था। चार बहन था। अच्छा भाव नीचे का लड़का था। पुराना वजन था। हाँ पुराना वजन का। मंडला लड़का का नाम नंदला मिचो था। आखिरी लड़का का कालू मिचो था। तो वो भी नाम सब गया। तो उसमें से यहाँ भाई के लिए इनका बहन को लेके गया था। तो ससुराल में ठीक भी हमारा भी गलती चलती हो गया। पहला औरत मर गया इसका बहन। तो उसको इसका भी घर वाला मर गया। तो साली को लाया मेरे पीछे। तो उसमें से 3 लड़का हुआ था। तो 3 में से 12 बचा। तो 2 लड़का तो गया इसका पेट का। एक लड़का बचा। तो वो अभी नेट गेम चल रहा है अपने पटवारी का साथ में। नौवीं पास है। मैंने बोला बेटा कभी ना कभी खेत बाड़ी आ जाएगा तो तेरा नाम पर आ जाएगा। ये नौकरी बोलो तो अपना अच्छाई भी है। खंडल मिलल हो गया कि जब टाइगर में घुस गया तो साले आपने तो बंद कर रहा। ऐसे करके हम बैंड कर रहे। तो आप भी अपने नेट के भी कर रहे हैं अपना पटवारी का फाट में। आपने अंग्रेजों को देखा होगा? देखा। हाँ ये सुपर चीज था वो। अंग्रेजी के जमाना में तो अंग्रेजी के जमाने में आना ढाई बोरा का जवाब ही था। 2.5 रुपया का ज्वार 2.5 था और गेहूँ 3.5 रुपया था। चांदी का रुपया पीछे से ही निकला। ये पंडित जवाहरलाल से फिर ठीक हुआ। ये नोट का जमाना अपना बुद्धा का नाम क्या है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी नोट चालू। अभी भी चल रहा है उसका। बट अंग्रेजों के जमाने में कैसा था जीवन तुम्हारा? जीवन क्या करते थे तुम अंग्रेजों का उम्र में था।
हाँ शादी नहीं हुआ तुम्हारा तो क्या करते थे अंग्रेजों के साथ काम किया है काम करता तो हमारा बाप नाम छिलता था चौपर लकड़ी चौपर चौखा चौरस लकड़ी लकड़ी छिलने का बासुला से भी छिलता था कुल्हाड़ी से भी छिलता था दीपू पड़ाव अपने पड़ा तो पड़ाव पर भेजता था गाड़ी से कुछ खिलाड़ी नहीं कुछ नहीं गाड़ी जोड़ी से फिर एक हफ्ता नौ रोज में हम वहाँ आते जाते थे नौ रोज में पहुँचा पड़ता में कुछ दिन में फिर वो फिर बसुला बंद कर दिया बसुला से फिर कुल्हाड़ी का शुरू कर दिया तो कुल्हाड़ी का भी वो भी बंद कर दिया उसमें से फिर वो अब तुमली का पड़ा वालों को चल भाषा मालूम नहीं तुमली का पड़ा कुछ भी नहीं है फिर हम सिल के देखा बल्ली इसका था बल्ली छोटा बल्ली और बड़ा बल्ली इतना था उससे बड़ा बारह फुट का आलेख और आठ फुट का आलेख कुछ छः फुट का आलेख ये कहता है हमको खूब लगता था किला मार्टिन घेरू सब लगता था तो ये अब तो जीरो फिर नहीं है ना कुछ भी नहीं है फिर जागरी में होना पूरा टाइगर ही बन गया पूरा टाइगर बन गया हाँ लेकिन पहले शिकार होता था अब जब थे तो शिकार तो वही ना मारता था अंग्रेज लोग हाँ अंग्रेज लोग तो गांव वाले को जमा कर देता हाँ धाक को मार देता धाक भी यहाँ से गैया बैल जैसा रहता था सा ऐसा नहीं कि नहीं अब इनके जमाना में ये हिंद्र के निकल गया नहीं ये जवारी में लगा रहा उसमें सब ये नाम मर गया अभी तो यही सांबर नाम नहीं है दुक्कर है दुक्कर को तुमने बड़ा से लाना तो छोड़ शुरू कर ऐसा है सब अंग्रेज शेर को मारते थे हाँ शेर को भी मारते थे शेर को मारता था लेकिन उनका बर्ताव आपके साथ कैसा था कोरकू लोगों के साथ कैसा कोरकू लोगों के साथ में कुछ भी नहीं ये सर इनके उम्र में था ना उनका जिसमें डाक बंगला में आता था ना रास्ता तो डाक बंगला में आता तो बेटा उसका सिवा हम पानी आदमी धोता तो उनका वही काम है बस किधर से हमको दौड़ना शुरू कर देता फोटो की बदल लेते थे आपका जैसा बस हाँ फोटो का भी पैसा और दे देता एक रुपया में चार पाई जो चौर में आता था तो एक रुपया हमको ऐसा भी देता था हाँ और मर्जी हका करने को गया तो जमीन को चलने वाला फिर मारता वो हमारा सामने से उड़ गया दो चार कि उड़ा वाला कुछ मारता था नीचे को नहीं खाता था नीचे का नहीं नीचे वाले को मंजूरी भी नहीं देता तो हमने दस को मारा तो दस रुपया देता था अच्छा हाँ जो नए वाले को उसको पकड़ समझाते थे ओ बोले बेकूफ है तुम नहीं करता तो ऐसा था सब क्यों ऐसा बोलता था बेवकूफ है मेहनत नहीं करते तुम लोग नहीं बेवकूफ है तुमने मेहनत नहीं किया मेहनत आया नहीं मेहनत नहीं करता ऐसा है तो हमको चार को आठ रुपया मिल गया दो दो रुपया कमा तो फिर हमने बोला कि आप तुम साथ में है तो ले साल को एक एक रुपया तुम भी कमा हमारा नहीं सही आप तो एक ही गैंग है ना ज्ञान है तो भाई अगर जैसा तुम गैंग हो गया तो तुम्हारे फोटो लगेंगे ऐसा बात है ऐसे चलते चलते था वो फिर दीपू का लकड़ी फिर साइकिल शुरू कर दिया साइकिल सटाना और घेर करना सुबह फिर खेत नाम बना लिया काले नाम
द्वार नहीं उसके क्या 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 सब वो साएगा भी छोड़ गया कुछ भी कमी क्या आठ सौ नंबर से वो कुछ बंद हो गया तो ये टाइगर लगा दिया हाँ टाइगर लगा दिया तो हाँ हमारा कहना अभी भी हो गया है कि जब तुम्हारा नौकरी वाले को तो तुम सब टाइगर में लगा लिया तो हमारा है क्यों नहीं दे रहा खेत का हमारा वो झाड़ काटना भी बंद हो गया ना तो झाड़ का मारती तो हम पल के आ गया हमारा बाप दादा तो हमारा कहना वो है पर ये देखो अभी ये खंड खोद दिया देगा ये मंगे बिता फिर मालूम थे बिता पड़ा को तूने खंती तो अब आना नहीं आए वो खंड खोद दिया तो उसका पहला जो पसले आला का नंबर अभी ये चार गांव में एक ही जो अंदर से गया हाँ तो वो जगह को बंद कर दिया ये तो झाड़ है ना ये झाड़ इधर तिमोरी है तो तिमोरी गांव भी ये हाथरू में है तो सिलाटी भी हाथरू में ही है करोहर भी हाथरू में ही है तो मारिते भी हाथरू में आ गया कारण भी हाथरू में आ गया तो ऐसा ऐसा काम खर कर सरकार चाह रहा क्या करता क्या नहीं तो ये नाम पर चल रहा है क्या क्या तकलीफ है कोरकू को कोरकू कोई किचले नहीं है साथ पे मेरा हमारा धंधा नहीं है तो धंधा गिंडा भी निकाला खेत बाड़ी का ऐसे धक्का टक्कर ना धंधा गिंडा भी खींची निकाला था सही है पर लेकिन कभी उनका पेमेंट अलग अपना दिवाली से काम करे तो साल फागुन में मिलेगा वो महीना का महीना मिलने को है ना महीना में नहीं मिलता महीना में नहीं मिलता एक आधा साल पूरा कर देता ऐसा कर रहा था तीन चार महीने के बाद मिलता तो तब तक क्या करेगा क्या करेगा बाल बच्चे को लगता होना कपड़े होना तो भला चली गया पर अब भोग के आई यार रह के भी आया फिर बेटा आपसे इधर क्या होएंगे क्या नहीं ये भी पता नहीं ऐसा बात है ऐसा बात है लेकिन तो अब आप... हमारे नाम पर खेत आ गया तो हम वो हीरा मांग रहा आप बड़े बड़े गड़ागड़ा बना है पहले जमाना वाले का वो उसका बाउंड्री करता था हम तो वो उसका वो बाउंड्री से हमको होना तो ये चारों गांव पांचों गांव छह गांव एक ही खर्चा एक ही नंबर पर आएगा एक ही गांव में आ जाएगा एक ही गांव में आ जाएगा सही है ऐसा 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 हुआ मैंने अपन को लिखा ना पड़ा नहीं ये अंगूठा भादू जैसा लेकिन आप समझते सब है अनुभव बहुत है आपका हाँ ना नहीं अनुभव तो सीख ही लिया वो ना उन भी पोटे पोटे था हाँ मामरा खंडबलाल भी ये कर्म गौली अपना ये उसको तो ये मारिता के जंगल में राव के बीच में शेर खा गया उसका बाप को अच्छा हाँ ऐसा था ऐसा ऐसा बिगड़ करके आ गया फिर आया भी तो अभी तो ठीक है तो ये खर्ची खोल दिया काला हमारे रकबा को छोड़ गया वो हमारे बाउंड्री को फिर वो अंदर से कर दिया अभी खंडला खंडी खोल रहा ना तो हमारा विचार बोलता कि तुम सभी दर्ज कर दे लेकिन हमारा पुराना बाउंड्री से हमारा खेत देना पड़ेगा पड़ेगा ऐसा सरकार को हमारा बोलने का नहीं तो फिर भी तो हमारा खोलो तुम्हारे देवना सीधा बोंडा का हमारे को दे बराबर ऐसा कहने का है बोलने का है फिर अब ये खेत पर ये क्योंकि ये कहा था
ये तो सब झाड़ी का बस्ती के अंदर तो खंडरलाल मामरा या वो दयाराम इसमें तो करके देखा पाकिस्तान बंद कर रहा था पाकिस्तान मर गया से तो फिर क्या करेंगे उसका चीज खराब हो गया तो मैं करते करते साला उसको क्या जाने सर कौन सा डिसीजन ले जाकर भाषण कर रहा था कि क्या कर रहा था वो खोल नहीं मर गया जिंदाबाद कौन मर गया दयाराम काड़े दयाराम मर गया बेचारा हमको बोला था कि भाई हम आएगा तो हम सब बजट लेके आएगा दिल्ली के मार्ग पर से बम्बई के उस पर हम जाएगा ऐसा बोल के गया था उसके पीछे से दयाराम भी गया था और पीछे से सभी गया था पे भाई वो लिखा पड़ा तुमको मालूम नहीं क्या है क्या अभी आपका जिंदगी कैसा है आप... जिंदगी तो है ठीक मेरे साला ये आज भी खूब बह रहा बस एक अभी दारू दो पाव पी लिया जैसा रंग आता है जाने ना अब बुद्धा हो गया का मार जाने क्या मार तो ऐसा हाल है बेटा नहीं तो आया कोई गवर्नमेंट का भी गलती नहीं है मैं कुछ भी नहीं कर हमारे को वही है कि कुछ भी हो जाओ तो हमारे घर की रकबा तुम खोल रहे हो तो बस तुम जंगल भी मोड़ रहे हो ना तो हम तो जी जंगल हम तो पाल लेना हमारा ही बगीचा है तुम्हारा नहीं बराबर हमने रक्त किया ना हमारा आजाद लग रखे तो हम तो लकड़ी पान तो लेंगे बराबर ऐसा है कहा था तो अभी उम्र क्या है आपका हाँ अभी उम्र कितना है आपका तो सब तुम देखो भाई उम्र का तो हम मालूम ही नहीं अज्जी का उम्र कितना है अज्जी का तो होएगा साहब जी का तो 60-70 का अंदर होना चाहिए और आपका उससे ज्यादा मेरा तो हम पूछो पकड़ो नहीं तो अच्छी पकड़ो ऐसा तुम पकड़ो तो जानेगा इसी का 60-70 पकड़ ले तो मेरा अच्छी लेकिन आज भी आप कड़क है अभी हमारे साथ चल के आए पूरा लकड़ी कंधे पे डाल के एकदम कड़क है क्या क्या खाया था उस जमाने में क्या खाते थे आप मटन ढेर जानवर तुम्हारे लोगो सब लोग दौरा में आ गया कि मटन मटन काय का मटन सांबर का बकरी का सांबर का सांबर का और डुक्कर का ये कुआ का कहने से फिरता था महाराज मच्छी खाता था मच्छी भी खाता था अच्छा मछली तो लड्डू में ढेर था तो ये हिंदी निकला काय का ले काय का ले अभी नहीं मिलता ये सब सांबर मच्छी ये यहाँ से तो नहीं मिलेगा रायपुर का आधा से उधर मिलेगा मिलेगा इधर नहीं मिलता इधर नहीं मिलता तो अभी क्या खाता है रोज रोज ये तो बाजार में आता है बेटा अनाज ही खा अनाज ही खा रहा ये हमने जितना बोया उसका होएगा तो ठीक है मटन कितना खाता है अभी मटन तो बेटा वो बाजार से लेता नहीं है थोड़ा बहुत खाता पहले जैसा नहीं नहीं पहले जैसा नहीं अभी टाट टाट भर के पहले तो ये हमारा मट्टी का बर्तन था उसका सीजारा फिर सारा नहीं था बोटी जैसा था अभी तो रुमाल में जितना आता है उतना बांध के बस पहले पूरा बर्तन भर के बोटी खाता था तो बस सर को लग रहा तीन बंदूक चार बंदूक पकड़ बेड़ा में था तो एक भाई फजर मार देंगे एक भाई शाम को फिर दूसरा भाई फिर दूसरा दिन मारने का देख कैसा भोपाली का ये टाइगर कैसा कैसा पैदा किया क्या
यही ना साइकिल को लाया होगा बनाया होगा जब जब नौकरी वाले टाइगर में टाइगर में तो हम बोलता है कि सब ये कुछ ना कुछ आराम तो होएंगे ही होएंगे मगर हम मरने के बाद ये पहला रकबा तो छुट्टी जाएगा ये कोई अंदाज है मगर वो ऊपर वाले ही सुधारेंगे तो सुधारेंगे तुम्हारे जैसा वाला नहीं तो हमारा कुछ तो मालूम ही नहीं कपड़ा तो है नहीं क्या सन 57-58 से चालू है स्कूल हमारा सामने तो अब ले ले के मैट्रिक पे गया 12-15 तक गया अब कब पड़ गया तब उनको हम लोग बताना पड़ेगा कि ये काम कर करना तुम लिख के ले रखो तो काम का तुम्हारा नहीं तो एक ना एक दिन तुम जाएंगे भी सर तो हम दोनों बुद्धा बचा नहीं तो एक भी बुद्धा नहीं बचा दवा खाने का समय कैसा है हथरू में हथरू में अभी दवा खाना तो जवाबदारी है फिर लेकिन अब तो एक बंगला तो बड़ा ही बना है पहले कैसा था पहले तो एक भी नहीं हमारे जमाने में तो कोई दवा खाना है ही नहीं फिर बुखार बीमार हो गया तो क्या करता था तुम वो हमारा टिक्कर ले जाएंगे जान ले आने लगी तो हमारा पीछे कर दे रहा नहीं तो देव भूम का हमारा कुरकु नाम कोई देव आता है तुम्हारे लोगों को भी आता है देव बाकी बाकी जड़ी बूटी का पहले जड़ी बूटी करके आ रहा था सब टाइगर तो सब घर पर कई धाना फुटता ही हो गया बना है अब घर फिर वो अच्छा है कि कौन सा अच्छा है हमको मालूम नहीं वो बराबर है आप कितना दूर गए हैं कभी परतवाड़ा गए हैं मैं साहब हम तो होल इंडिया घूम कर कहाँ कहाँ गए बताओ मुझे कि कम से कम यहाँ बम्बई का उस पार से हवाई जहाज से काम किया होल इंडिया वाले के साथ अच्छा हवाई जहाज में सामान बैठा तो हवाई जहाज से तो काम किया बेटा हाँ हवाई जहाज से काम किया क्या काम वो जगह ही नहीं है ना मैकने का रोड भी तो नहीं है एक देश में ये सोयाबीन वही देश से आया तो बेटा अब बताना तो मैं लिखा पढ़ा बेटा तो मेरे पास लिख के बैठा था दिया था कागज वो नाम तो मैंने बोला मेरे को जानता नहीं लड़का भी तो नहीं पढ़ा वो फिर तो किसको बताना तो वो तो गए फिर बाबा लंदन में क्यों ले गया था तेको लंदन में हाँ घूमने दे ठोका फिर चांदा लो तो मैं चांदा हाँ जी वजी पार निंदा तो कुकुमर है मियाँ चांदा तो मियाँ चांदा हरिशल है हरिशल इन बहु भी किस के नाम जाओ जी नाम देख करने का कहो बुरी बुरी ये बा क्या मान जैसे सुधार दो मालूर मालूरा से बड़ा शहर मालूर ले से तलन जी चांगा कोटेलावा हाँ कोटेलावा नहीं हुआ सम्मान सम्मान है कितने का था उधर ने हर थोड़ा वो मैं हाल पांच जारा के दे